हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूट कटिंग, जो हमारी है लाइनिंग वाली। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट पार्ट है कढ़ाई वाला और बैक साइड हमारी ये प्लेन है। ठीक है, तो पहले हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे किस तरीके से। ये देखिए, इसको पहले आप सीधा तरह अच्छे से बिछा लेगा। फिर जो हमारा कढ़ाई का जो सेंटर पार्ट होगा, उसको आपको बीच में सेंटर रख के ही आपको बराबर कर से ऐसे रख लेना है, ताकि आपकी सेंटर जो है आपका बिल्कुल कढ़ाई का बिल्कुल सेंटर आए आपका। इस तरीके से आपको डबल कर लेना है। इस तरीके से आपको ऐसे नाप भी लेना है कि आपका सेंटर में आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हमारा सेंटर हो गया है। अब हम लेंथ निकालेंगे, हमें इसकी लेंथ कितनी चाहिए। आप इसको अपने मेजरमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। हम हमारी लेंथ जो हमें चाहिए, हम इसको जितना हमारी एम्ब्रॉयडरी है हम उतना ही रख रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ से आप कॉर्नर से जो आपका होगा, यहाँ से जो बंद वाला हिस्सा, वहाँ से आपने मेजरमेंट नापना शुरू करना है। ये देखिए, एक्स्ट्रा जो हमारा जो नीचे वाला होगा वो हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से 40 पे निशान लगा लेते हैं। एक्स्ट्रा जो हमारा 2 इंच का हो गया, यही सेम ऊपर निशान लगा लेंगे हम सेम। टोटल लेंथ हमारी होगी 42 इंच। ठीक है, यहीं पर आपने सेम ऐसे यहाँ पे 42 पे यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। इस तरीके से आपने निशान लगा लेने। ठीक है, अब हमने यहां से आपने कहीं पूरा कट कर लेते तो वो पूरी गलती आप मत करेगा कि आप पूरी कटिंग करके आप पहले फ्रंट और बैक आप निकाल लेते हैं कई लोग, तो आप वो चीज ना करें प्लीज। तो अब हम पहले करेंगे शोल्डर निकालेंगे। जो हमें शोल्डर चाहिए तीरा, यानी कि हमें जो मेजरमेंट के हिसाब से जो हमारा तीरा है वो है 14 इंच। 14 इंच का हाफ यानी कि हो गया 7 इंच। तो हम उसका आधा इंच फालतू लेके चलेंगे, यानी कि 7.5 इंच जो हमारा मार्जिन में जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से निशान लगा दिया। ये आपका हार्मोन आना चाहिए 7 इंच पे। अगर कोई वो मोटा इंसान है, हेल्दी है, तो आप इसको आप बढ़ा सकते हैं 7.5 इंच तक। नॉर्मल जो होता है वो 7 इंच तक ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम ये हमारा शोल्डर के ये हार्मोन्स का हमारा जो निशान का यहाँ पे आएगा। अब हमारा जो आएगा शोल्डर से लेकर कमर तक का निशान, फिर आएगा हमारा यहाँ से हिप का निशान। वो हम किस तरीके से लगाएंगे ये देखिए। आप पहले शोल्डर से आपने हिप कैसे नापना है। हमारे जो जो लंबे इंसान होते हैं, जैसे लंबे लंबे होते हैं, तो उनके लिए 14.5, 14 तक कमर आती है। नॉर्मल जो होते हैं लोग, तो उनके लिए आप 14 तक रख सकते हैं। आधा इंच ऊपर मार्जिन चला जाएगा, तो यानी कि 13.5 इंच तक उनकी कमर तैयार आएगी। ऐसे ही आपको नीचे तक लेना है हिप का निशान। वो आएगा हमारा नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल वो आपका आएगा 21 या 20.5 तक आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 21 रख रहे हैं, आधा इंच ऊपर चला जाएगा, यानी कि तो 20.5 इंच पे हमारी शोल्डर वो आएंगे हिप्स का। अब हमने लेना है हमारे कमर कितनी है और शोल्डर कितने हैं, हमारे सॉरी चेस्ट कितनी है और हिप कितने हैं। मैंने मेजरमेंट के हिसाब से आपको जो भी बताती हूँ, मैं आपको इसमें चौथा हिस्सा बताती हूँ मैं, यानी कि आपको इसको आप खोलोगे तो डबल हो जाएगा। गोलाई में नापेंगे, जैसे अगर आप मेजरमेंट किसी से नाप के लेते हैं तो वो हो जाता है आपका। तो अब हमारा मेजरमेंट के हिसाब से चेस्ट आ रही है 8.5 से 2 पॉइंट ऊपर, यानी कि 8.25 के करीब। ठीक है, लाइनिंग वाला सूट की आपको एक और चीज बता दूं, लाइनिंग वाले सूट की आपको हमेशा मेजरमेंट के हिसाब से आपको आधा इंच फालतू लेना है। अब मैंने इनकी ये चीज फालतू ही ली है, वरना अगर इनकी आती मेजरमेंट के हिसाब से हमें लेती तो नॉर्मल जो सूट हम रखते हैं वो 8.5 पे आता है। तो हमने यहाँ से हमने फालतू रखा है, यानी कि 8.25 के करीब। तो आधा आधा इंच दोनों साइड बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो डबल आ जाता है कपड़ा, हमारा नीचे भी अस्तर लगेगा तो उससे चौड़ा हो जाएगा। और
यहीं पर ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे लेना है हमें, कमर का भी इसी तरीके से आपने हिप का ले लिया। आपका जो जो मेजरमेंट होगा आपने उस तरीके से आपने नाप ले लेना है। अब इसको आपने एक्स्ट्रा क्या लेना है, मार्जिन 2 इंच के करीब आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब इनको ऐसे आप जोड़ लीजिए। फिटिंग की सिलाई आपकी ये हो गई और इसी का आपने यहां से सीधा कट कर लेंगे बराबर से। मेरे चैनल पे अगर आप दोस्तों नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा प्लीज़। कुछ नहीं पसंद आता, समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ये देखिए हमारी इस तरीके की तो अभी तक कटिंग फिलहाल कंप्लीट है। अब हमारी एक और चीज़ इसमें है जो हमारी आएगी मोड़े की कटिंग, यानी कि शोल्डर की गुलाई। गुलाई किस तरीके से करनी है आपको, ये देखिए ये 1 इंच आपको एक्स्ट्रा यहाँ रखनी है ऐसे तिरछा, जो हमारा ये कॉर्नर आ रहा होगा उससे आपने एक पॉइंट ऐसे रख के गुलाई दे देनी है। इसी की आपको ऐसी शेप देनी है सेम, इस पे आपने कट कर लेना ऐसे। ठीक है, पहले आपको कट करके दिखा देती हूँ इसको किस तरीके से कट करना है। ये लाइन आपको कट हो जाएगी सीधी, ये गुलाई और ये वाली ब्लू वाली लाइन जो आपको दिख रही है ये कट हो जाए। ये देखिए हमने कट कर लिया है। इस तरीके से हमारी ये फ्रंट कटिंग हो गई है। अब हमारी जो बैक होगी वो आपको बहुत आसान तरीके से लग जाएगी, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट निकल चुका है तो बैक निकालनी बहुत आसान हो जाएगी। ये देखिए हमने बैक का जो हमारा था प्लेन वो हमने बिछा लिया है। अंदर की साइड हमारा सीधा है और यहाँ पे उल्टा, यानी कि जो बंद वाला हिस्सा वो मेरी साइड आएगा, खुला हुआ हिस्सा आपकी साइड। तो अब आपको हमने किस तरीके से निकालना है, ये आप मेरे स्केल देख रहे होंगे, ये नीचे यानी कि सीधा है इस तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ पे स्केल रखा हुआ था इजी रहे। इसको आप बराबर पहले निशान लगा लें। ठीक है, अब हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर रखना है। दोनों के हिस्से आपको ये ध्यान रखना है कि बंद वाले हिस्से बराबर आए इधर एक साइड और खुले हुए हिस्से इस साइड आए दोनों के। तो ये देखिए हमने बिछा दिया है प्रॉपर पूरा उसके ऊपर, यहाँ से देख सकते हैं आप पूरा बराबर है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज आपको बताऊंगी दोस्तों, कभी आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो तो, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट में आप देख रहे हैं ये लाइनिंग हमारी शर्ट जो हमारा पूरा बराबर मतलब कि एक्स्ट्रा आ रहा है जो हमने फोल्ड करना है और हमारे बैक पे नहीं आ रहा, वो आप कैसे करेंगे। इसको आपने एक्स्ट्रा थोड़ा सा मतलब कि हमारी लेंथ इतनी आ रही है तैयार फोल्ड करने पर, इतना हमें कम है, इतना तो हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं। इसमें आप इतना इतने हिस्से में आप यानी कि थोड़ा सा जो हमारा इस साइड से बचेगा वहां से आपने नीचे की साइड से जोड़ डाल के आपने अंदर करना है, जो आपका दिखेगा भी नहीं और आपकी लेंथ कंप्लीट पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको अपने किस तरीके से ऐसे कटिंग करनी है, ये देखिए जो जो हमने जैसे से रखा हुआ था सेम वैसे ही आपने रख के निशान लगा लेना है इस तरीके से। ये ध्यान से निशान लगाइएगा कि आपका इधर से बराबर हो पूरा, जो बंद वाला हिस्सा था आपका वो बराबर हो। इसी तरीके से आपको पूरा ऐसे निशान लगा लेना है। ठीक है, अब तो हमने लगा लिया है जो हमारा, ये देखिए ये हमारा बैक का निशान आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। इसमें आपको एक और चीज करनी है हमने फ्रंट में, ये तो हमारी गुलाई निकल जाएगी हमारी फ्रंट बैक की, लेकिन हमें आगे की जो हमारी कटिंग होती है वो एक्स्ट्रा होती है, यानी कि जो हमारी क्या कहते हैं चेस्ट के साइड से जो कटिंग होती है हमारी, वहां से आधा इंच की करीब आपको लेना है यहाँ से अंदर,
राइट साइड पे आपने अंदर लेना है, आधा इंच पे ऐसे निशान लगाना है। ब्लू से नहीं दिख रहा आपको, मैं पिंक से निशान लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा फ्रंट था, ये देखिए आप देख सकते हैं। इतना आपको अंदर की साइड कटिंग करनी है। पहले जो हमने कटिंग की थी वो हमने शोल्डर से जो तिकोना था ऊपर हमने निकाल के की थी 1 इंच। अब हमने जो करनी है फ्रंट की, हमने आधा इंच अंदर की साइड कटिंग करनी है, देखिए ठीक है। वो हमने सिर्फ फ्रंट पार्ट पे करनी है, बैक पे नहीं करनी। बैक पे आपकी जैसे ये दी हुई है सेम अपने ऐसे कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने बैक की कटिंग कर ली है। अब जो हमने फ्रंट की, मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने निशान लगाया था वो कैसे करनी है। इसको आप बैक को साइड में कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको गुलाई में देनी है। यहाँ पे नग है, ये देखिए हमने कटिंग कर दी है। अब आपको मैं बैक का, ये रहा बैक हमारी और ये फ्रंट, आपको क्लियर दिखेगा इसमें कि हमारा बैक वाला हिस्सा देखिए अंदर से गुलाई हुई पड़ी है। अब आपको एक और चीज करनी है, शोल्डर की कटिंग। आप सोच रहे होंगे शोल्डर की कटिंग क्या होती है, हमने तो शोल्डर कर दिए, लेकिन नहीं, ये हमारा इतना आता है शोल्डर जो हमारा यहाँ पे गला बन जाएगा, और यहाँ से आपको तिरछा देना है जो आधा इंच के करीब आपको इस तरीके से कट करना है। इसको आप बराबर करके ये देखिए हमने चारों हिस्से मतलब कि चारों लेयर्स हमने बराबर कर लिए हैं। आधा इंच का आपने इस तरीके से ऐसे निशान लगाना है और ऐसे तिरछा कट करना है। ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी तक की आपकी कंप्लीट हमारी हो गई है लाइन। ये हमारी जो शर्ट कटिंग आपको सिखाई थी, फ्रंट और बैक कटिंग जो हमारी है वो अब तक कंप्लीट हो चुकी है। आगे आपको वीडियो लेकर आएंगे इसके साथ की हम लाइनिंग जोड़ना, जो आपकी हमारी होगी लाइनिंग के ऊपर ही हम आपको शर्ट कटिंग कैसे करेंगे आप वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप आसान तरीके से लाइनिंग कैसे कट कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, आगे आपके लिए ऐसी और मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। आई होप आपको ये पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।